नमस्कार, द ग्राउंड रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश भोपाल से। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में कमलनाथ सरकार कभी भी जनता के बीच सुख दुख में कहीं दिखाई नहीं दी। वो बल्लभ भवन में ही मौजूद रही, एक भी दिन जनता के बीच नहीं गई और हम एक भी दिन कोरोना महामारी के बीच भी नहीं रुके। जब वो जनता के बीच गए ही नहीं, तब जनता इन्हें कैसे वोट देगी? और हम जनता के बीच जाकर कांग्रेस का मुकाबला डटकर करेंगे। नौजवान को हम देंगे बेरोजगारी भत्ता, एक को दिया हो तो बताए, बेटी को स्कूटी दी हो तो बताए। भाई लगातार झूठ, कभी ओले में देखे हो कमलनाथ जी, पाले में देखे हो, सूखा में देखे हो, अतिवृष्टि में देखे हो, मौत में देखे हो, तो बताओ ना आप, कहीं गम में देखे हो, कहीं नहीं मिले होंगे आपको कमलनाथ जी। ये कमलनाथ जी बल्लभ भवन से निकले ही नहीं, अब वोट मांगने जाएंगे तो वोट कैसे दे देगी जनता? सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ेंगे इस बार पार्टियां, थोड़ा सा लगता है। हम तो मैदान में लड़ेंगे दादा, हम तो जनता के बीच जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। ये एक दिन नहीं निकले और हम एक दिन नहीं रुके इस महामारी में भी। हम लगातार जनता के बीच में ही गए और जनता के हाथ जोड़ेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। लॉकडाउन जिस तरह से थोड़ा राहत दी गई है, तो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ पर जो बाहर निकल रहे हैं, उनसे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ वसूली कर रहे हैं उनसे, अवैध तौर पर वसूली। कोई भी नहीं कर सकता, अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने आज कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। संवाददाताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों वैचारिक शून्यता के दौर से गुजर रही है। उनके मैनेजमेंट गुरु लगभग सब फेल हो चुके हैं, इसलिए वह प्रशांत किशोर का सहारा ले रही है। जबकि प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश की वाट लगा चुके हैं और अब मध्य प्रदेश की बारी है। उन्होंने प्रशांत किशोर आए या कोई और, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना लगभग तय है। ये प्रशांत किशोर की सेवाएं जो है कांग्रेस कह रही है कि हम उपचुनाव में लेंगे, हालांकि अब तक प्रशांत किशोर की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, लेकिन कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश में कह रही है कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया उसे देखते हुए उपचुनाव में उनकी सेवाएं ली जाएगी। मैंने भी कांग्रेस नेता का कल बयान सुना, एक चाणक्य माननीय दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए, एक मैनेजमेंट गुरु वो भी निबट लिए, अब वैचारिक शून्यता उभर रही है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता कि काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके, अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। इस मौके पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने को लेकर कहा कि कैलाश विजयवर्गीय हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो जब पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ सकते हैं तो प्रदेश में कहीं भी चुनाव की कमान संभाल सकते हैं। मार्गों और निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव में, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे पूरे प्रदेश को देखेंगे वो, जहाँ भी जरूरत होती है पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के। आपने जारी करा हुआ बताओ पहले, जारी कहाँ हुआ था? निश्चित रूप से मौसम का मिजाज इस बार प्रारंभ से ही इस तरह का है कि गर्मियों भी कई बार बीच बीच में बारिश आती रही है। अब वो निसर्ग की वजह से है या कोई और अन्य कारण है या पॉल्यूशन हटने से है, ये शोध का विषय है। पर शासन और प्रशासन के स्तर पर सभी से बात की गई है,
माननीय शिवराज सिंह जी पार्टी के स्थापित नेता हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनसे विधायक मिलते ही रहते हैं, आप लोग उसे किसी से भी जोड़ सकते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता आरिफ खान की रिपोर्ट। द ग्राउंड रिपोर्टर में खबरें अभी और भी हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।